भारत में जैसे जैसे स्वदेशी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे देसी नस्ल की गायों के दूध की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने से पशुपालक इससे अच्छा खासा फायदा कमा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या इन पशुपालकों को दूध की क्वांटिटी की आती है। खास तौर पर गर्मियों में पशु कम दूध देने लगते हैं। इन सभी मुश्किलों को देखते हुए देश में पहली बार हरियाणा के करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून की मदद से गिर नस्ल की एक क्लोन बछड़ी पैदा की गई है। ये भारत में पहला क्लोन है, और अगर विदेश की बात करें पूरे विश्व में तो जिस तकनीक से हमने बनाया वो पहला है, क्योंकि ये तकनीक पूरे विश्व में कहीं नहीं होती है। ये हमारी जो एनडीआरआई की जो टेक्नोलॉजी है, हैंडमेड क्लोनिंग, हैंड गाइडेड क्लोनिंग जिसको कहते हैं, उस तकनीक से बनाया है ये। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं ये? हम बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे देश के लिए भी उपलब्धि है कि इससे जो है कि आगे के जो आयाम होंगे, मान के चले कि वो अच्छी पशु नस्ल की है, भारत सरकार जो OPOF कर रही है आज जो है, और उसके बाद जो है कि आगे की तकनीक में 2-5 साल बाद या 10 साल बाद जो है क्लोनिंग को भी जो है भारत सरकार, हम आशा करते हैं कि उसको जो है वो फील्ड के किसानों तक पहुँचेगी। डॉक्टर नरेश की माने तो वो पिछले 15 साल से भैंस के क्लोनिंग पर काम कर रहे हैं। इस अनुभव के बाद 2021 में निर्णय लिया गया कि कैटल की भी क्लोनिंग करनी चाहिए, जिसके चलते 3 ब्रीड्स गिर, साहिवाल और रेड सिंधी सेलेक्ट की गई। साहिवाल के क्लोन को लेकर असफलता हाथ लगी। काफी रिसर्च के बाद 16 मार्च 2023 को गंगा का जन्म हुआ। पहला हमने जो अटेम्प्ट किया है अभी वो गिर गाय का किया था, उसके पहले हमारे साहिवाल का भी किया था, लेकिन उसमें हमें असफलता मिली है कुछ। वो इसलिए मिली है क्योंकि हम जो है इस नई तकनीक को ट्राई कर रहे थे। हमारे पास जो अंडे चाहिए होते हैं, जो रिसिपिएंट साइटोप्लाज्म, वो जनरली हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो हमने OPU तकनीक से उस अंडे को निकाला। उत्पादन में भी इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो पशु हम सिलेक्ट करते हैं क्लोनिंग के लिए वो वही पशु करते हैं जिनका जेनेटिक सुपेरिटी है या जिनका उत्पादन ज़्यादा है। जैसे गिर गाय हमारे देश की अच्छी नस्ल की गाय है, तो अच्छी नस्ल की गाय है और दूध उत्पादक क्षमता उसकी ज्यादा है, तो ये जो है कि इसमें ये होता है। क्लोन कर पैदा की गई गिर गाय की बछड़ी स्वस्थ है, उसका नाम गंगा रखा गया है। बता दें कि गिर गाय अन्य गाय की नस्लों के मुकाबले अधिक सहनशील होती है और अत्यधिक तापमान व ठंड आसानी से सहन कर लेती है। इस नस्ल की गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कमाल होती है, इसी कारण गिर नस्ल की गायों की ब्राजील, अमेरिका, मैक्सिको और वेनेजुएला में काफी डिमांड है।